नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को मैंने लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे मैंने दिव्यंदु मंडल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ। आप लोग को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज मैंने दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में जो एक्सेल फाइल मैंने शेयर करता हूँ तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने ये इनसाइड द बार विथ एनएस 7 बाय सेललेवलकमस्क्रीनर में ये कल का ही फाइल है, आज मैंने अपडेट नहीं किया। तो उसका लेवल कैसे यूज़ करके लाइव मार्केट से प्रॉफिट किया जा सकता है, तो मैंने देखिए ये इनसाइड द बार बाय सेललेवलकमस्क्रीनर में इनसाइड द बार विथ एनएस 7 का सीट खुला है। तो इसको मैंने फ़िल्टर कर लेता हूँ। कैसे फ़िल्टर करता हूँ आप लोग ज़रा देख लीजिए। इधर देखिए, मैंने सोच लीजिए कुछ भी, मैंने बोला था कि कुछ भी स्ट्रैटेजी आप लोग पिछले वाला वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी स्ट्रैटेजी आप लोग देखिए उसके बाद शॉर्ट कर लीजिए। मैंने एनआर 4 को शॉर्ट किया, उसके बाद मैंने ये जो फिबोनाची लेवल्स है इसका 7 डेज का हिसाब से शॉर्ट करूँगा, जो पिवट पॉइंट और बाई एंट्री लेवल का बीच में रहता है। उसके बाद फाइव डेज का हिसाब से भी शॉर्ट करूँगा। फाइव डेज का हिसाब से ऑलरेडी शॉर्टिंग हो गया है, और इधर 3 डेज का हिसाब से भी शॉर्टिंग हो गया है। इधर बाई का 2 डेज का हिसाब से शॉर्टिंग हो गया है, 1 डेज का हिसाब से शॉर्ट कर लेता हूँ। और 15 डेज का हिसाब से शॉर्ट कर लेता हूँ, और 1 ईयर का हिसाब से 30 डेज का हिसाब से शॉर्ट कर लेता हूँ, और 1 ईयर का हिसाब से भी शॉर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये सब स्टॉक्स निकला है। तो इधर ये एक्सिस बैंक बर्जर पेंट नेस्ले इंडिया एक लिमिटेड, मैंने एक इसका जो 7 डेज से मैंने देखूंगा, इसका बाई और सेल लेवल देखूंगा। 7 डेज का हिसाब से देखिए 756 इसका बाई का लेवल है, 717 इसका सेल का लेवल है। आप लोग सब चेक कर सकते हैं इसका। उसके बाद 5 डेज का हिसाब से देखिए 795 बाई का लेवल है, और सेल का एंट्री लेवल है 717। 3 डेज का हिसाब से 745 बाई लेवल, 717 सेल लेवल। 2 डेज का हिसाब से भी ऐसा ही है, और 1 डेज का हिसाब से 744 बाई का लेवल है, सेल का लेवल है 733। तो मैंने कुछ भी आप लोग SBI में ये सब भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो जब मैंने इधर चार्ट पे लगा लिया है, इधर देखिए एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBIN, इधर भी SBIN भी है। जो जब लेवल आएगा फिर मैंने आप लोग को दिखाऊंगा चार्ट पे। तो इधर देखिए ऑलरेडी एक्सिस बैंक जो है ये 738 का लो हुआ है, तो 738 का जो लो जब क्रॉस करेगा तो मैंने एंटर करूंगा सेल का लेवल में। तो तब तक के लिए मैंने वीडियो पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। देखिए ये जो एक्सिस बैंक का लेवल आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए 1 डेज का लेवल जो था, 1 डेज का लेवल था बाई का लेवल 744.28, ये पहले ही छूट गया था 500। उसके बाद देखिए 2 डेज का जो लेवल था 745.34 इसका क्रॉस किया है। तो अभी आप लोग इस स्टेट में हम लोग एंट्री ले सकता है। आप लोग ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इधर 745 के ऊपर गया है, 745.97 मैंने अभी ज़्यादा जिग रहा है, 745.34 के ऊपर गया था ये। तो मैंने आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं इसको, मैंने कैंडल स्टिक लगाता हूँ। तो इधर देखिए, इधर 745.50 के ऊपर गया था, तो देखना पड़ेगा इसको अभी कैसा प्रॉफिट दे सकता है। आप लोग को क्या करना है, जो 7 दिन का हिसाब से आप लोग को बाई और सेल लेवल देख लेना है। बाई लेवल इतना था 756, 717,
और इसके बाद सेल लेवल भी इसका दो पाँच दिन का हिसाब से 795-717, उसके बाद 3 डेज का हिसाब से 745-717 और 1 डेज का हिसाब से 744-733। तो 744 का जो लेवल था 1 डेज का हिसाब से वो छूट गया था। तो मैंने देखिए उसका पिछले वाला लेवल जो था 745-734 जो है वो उसको मैंने पकड़ लिया। तो इसे इसके बाद देखते हैं इसके के ऊपर जाता है क्या नहीं जाता है। तो मैंने वीडियो पॉज करता हूँ, अभी आप लोग भी चार्ट में देख सकते हैं। तो इसमें जब कुछ सेल में मतलब प्रॉफिट में आएगा या कुछ स्टॉप लॉस में जाएगा तो मैंने आप लोग को आप नमस्कार दोस्तों, अभी 745-790 ऐसा चल रहा है, 746-20 ऑलरेडी मार दिया है, 746-20 दिया है, 745 के ऊपर मैंने बाय लेवल लिया था। तो देखना पड़ेगा ये कितना दूर जा सकता है। तो इसका अभी तक जो हाई हुआ था 746-75 तक, ये अभी तक आप लोग को फिर से अपडेट करूँगा, फिर से मैं वीडियो पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक्सिस बैंक जो हाई था 746-75 वो अभी ब्रेक किया है, ये अभी 747-30 हो गया है, 747-30 के ऊपर जा रहा है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने SBIN का भी कॉल दिया है, देखिए SBIN का जो कॉल था 335-30 वो भी एक्टिवेट हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये 335-30 के ऊपर ये एक्टिवेट हुआ था, वो भी आप लोग देख सकते हैं ये कितना दूर जा सकता है। 80 तक गया है ये, और जो एक्सिस बैंक है ऑलरेडी 747-30 हो गया है, मैंने 745 से एंट्री लिया था, आप लोग को दिखाया था, मैंने मेरा एक्सेल फाइल से भी दिखाया था और चार्ट से भी दिखाया था जब मैंने कब एक्टिवेट हुआ था। तो दोस्तों फिर से मैंने देखूँगा जो जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग करना का है या मतलब कुछ और भी आगे जाएगा तो आप लोग को फिर से अपडेट करूंगा, तब तक के लिए फिर से मैं वीडियो पॉज करता हूं। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए जो SBIN का जो लेवल था मैंने 335-25 से मैंने इधर व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉल दिया है, 36-35 जीत गया था 745-50। तो ये अभी भी आप लोग को ट्रेड में दे सकता है 747-30, ये आप लोग देख सकते हैं जो पहला का टारगेट में जो दिया था 745-60 से ये 747 तक गया था, देखते हैं 750 के आसपास जाता है क्या नहीं जाता है। तो तब तक के लिए मैंने फिर से पास करता हूँ, आप लोग को बाद में अपडेट देता हूँ। तो अभी 335-45 ये कॉल दिया था, 335-25 से आप लोग को दिखा रहा था। तो 335-25 से अभी 337-25 हो गया है ये, और एक्सिस बैंक अभी तक 747-30 नहीं क्रॉस पर कर पाया, 747 क्रॉस करने का फिर से कोशिश कर रहा है, देखते हैं कितना दूर जा सकता है। तब तक के लिए फिर से थोड़ा सा पॉज करता हूँ, मेरा टाइम 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैंने फिर से अपडेट करता हूँ। तो आप लोगों के सामने आप लोग मैंने स्क्रीनिंग किया था, उसके बाद 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन और 1 दिन का हिसाब से बाई और सेल लेवल मैंने फिबोनाची लेवल मैंने देख लिया। उस मैंने पहले इधर NR4 से शॉर्ट किया था, उसके बाद फिबोनाची लेवल में शॉर्ट किया है। तो कैसे इसको मतलब मेरा बाय लेवल सेल लेवल कम स्किनर को और इनसाइड द बार पेज को मैंने कैसे आप लोग